श्री शीतला मंदिर मांगर एक सिद्ध उपपीठ है, जहां खंडन के समय माता का कड़ा गिरा था। इसके सिद्ध उपपीठ होने की घोषणा स्वयं भगवान शिव ने की थी। इस मंदिर के प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस स्थान का मांगर नामकरण त्रेता युग में किया गया था। तब यह मंदिर इतना भव्य नहीं हुआ करती थी जितनी कि अब है। शीतला महारानी जी का मंदिर जो है अति प्राचीन है, यह महाभारत कालीन मंदिर है। महाभारत कालीन हाँ जी बना हुआ है, लगभग 5000 वर्ष पुराना। 5000 वर्ष पुराना जी। और इसके पहले भी शीतला माता का अस्तित्व यहाँ पर था, और यहाँ जो है सो भगवती जी के बारे में कहा गया है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वो सती माता अपने पिता के यज्ञ में अपमान बस हवन कुंड में अपने आप को भस्मसात कर ली, तो शिव जी उनके सबको उठा करके अपने कंधे पर लेकर के और यत्र तत्र सर्वत्र घूमने लगे धरती मंडल पर। तो त्राही त्राही मच गई, भगवान शंकर का सारा कार्य बंद हो गया। सभी देवता ऋषिगण श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनसे इसका निदान पूछे, तो उन्होंने बताया कि आप लोग निश्चिंत रहें, मैं उपाय करता हूँ। और सुदर्शन चक्र को उन्होंने आज्ञा दिया कि जाके सती माता के शरीर से, मैंने भगवान शंकर के शरीर से सती माता के शव को पाशर्व भाग से मैंने शंकर जी देखे नहीं और काट काट करके आप नीचे गिरा दी। नीचे गिरा दी सती माता के शरीर पर श्री सुदर्शन चक्र जी ने 107 प्रहार किए। अच्छा, जैसे भगवती जी का शरीर 108 खंडों में विभक्त हो गया। 107 प्रहार किए, 108 खंडों में विभक्त हो गया। और जहाँ जहाँ वो स्थान अंग गिरे उस सब जगह जो है सिद्धपीठ हैं, और जहाँ जहाँ उनके वस्त्र भूषण ये सब गिरे उस जगह भी भगवती जी का स्थापना हुआ और वहाँ भगवती जी का उपपीठ बना। यहाँ क्या गिरा? यहाँ भगवती जी का कड़ा गिरा था। कड़ा गिरा जी। सजन श्रुति है कि महिमा कड़ा गड़ा यह हेतु माधर नाम धरा वृषकेतु। कालांतर में राजा वृषकेतु भी यहाँ हुए हैं और ऐसे शंकर जी का नाम भी वृषकेतु है, तो भगवान स्वयं यह स्थान का नाम माधर रखे। और हाँ जी, भगवान स्वयं इन्होंने नाम रखा है माधर जी। वैसे तो यहाँ की महात्म्य काफी विस्तृत है, परंतु माता की एक महिमा आज़ादी से लगभग 25 साल पहले देखने को मिली थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग प्लेग, चेचक, वाइसी, लहरा इत्यादि से ग्रसित होने लगे थे। फिर क्या था, अधिकाधिक संख्या में लोग यहाँ आने लगे, जल बिंदु लेने लगे और मनोतियाँ मांगी जाने लगी। देवी की असीम महिमा से जो भी यहाँ आए उनका कल्याण हुआ। तब से आज तक कोटि कोटि हिंदू और मुसलमानों ने भी बिना किसी भेदभाव के देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। कि भगवती जी का यहाँ बड़ा प्रकोप हुआ। अच्छा। चेचक बहुत जोर फैला, तो भगवती जी को यहाँ के ग्राम प्रधान को स्वप्न हो गया कि मेरा मूर्ति जो है यहाँ, मैंने जो कुआं है वो कुआं में जो है उसको निकालो बाहर। अच्छा। और हमको स्थापित करो, उसके जल से जो आदमी जल पान करेगा और देह पर छीटेगा उससे उसका प्राण होगा। तो स्वप्न के आधार पर निर्दिष्ट स्थान पर खोजा गया तो वहाँ पर कुआं मिला। तो कालांतर में उसमें बहुत सारी वहाँ पर बौद्ध मूर्तियाँ भी थी जो उसके साथ भगवती जी के साथ दफन नीचे में थी। उसे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पहले भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी यहाँ अस्तित्व रहा है, क्योंकि मूर्तियों में बौद्धिस्ट और जैनिस्ट मूर्तियाँ बौद्ध धर्म का जैन धर्म का मूर्ति मिलेगा। हाँ मिलता है यहाँ, इसलिए कि यहाँ मथुरा में बौद्धिस्ट और जैनिस्ट ये दोनों भी यहाँ आए थे और यहाँ जो है पूजा अर्चना करते थे। लगभग 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने यहाँ पुनरुद्धार करवाया था और बख्तियार खिलजी ने अपने समय में यहाँ लूटपाट मचाई थी जिसमें उसने मंदिर का घंटा चुरा लिया था। अगर हाल में जो है शीतला मंदिर का जो है पुनर्निर्माण की बात हुई, यहाँ के ब्राह्मण लोगों की इच्छा हुई कि हमारा मंदिर जो है बहुत पुराना पड़ गया है, इसका पुनर्निर्माण हो, तो 16 जुलाई को पिछले आषाढ़ सप्तमी को शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन यहाँ भूमि पूजन हुआ और सभी लोग आए, बड़ा प्रभात फेरी हुआ, पेपर में भी आया था, हिंदुस्तान वगैरह निकला था, मंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से इसका जो है नींव वगैरह शिलान्यास किया। यहाँ विशेष भीड़ चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रहती है। इस
तालाब की भी महिमा अपरंपार है। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो भगवती जी पर बहुत सारे भीड़ लगने लग गया, तो हुआ कि इतने लोगों को यहाँ पर से जलांजलि देना बड़ा मुश्किल है, तो जलांजलि का मोड़ जो है ना पोखर में कर दिया गया, और पोखर के जल से जो स्नान करते हैं उनको सब कल्याण होता है। पोखर में जल जो है भरा रहता है उसमें कल्याण होता है, तालाब के जल में जो स्नान करता है ना वो रोग बीमारी से मुक्त हो जाता है। इस तालाब के अलावा यहाँ वो मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं जो कुएं से निकाली गई थी, और ये सभी मूर्तियाँ भी प्राचीन काल की ही हैं। श्रद्धालुओं से ये कहना चाहें कि मंदिर में आइए, भगवती जी के यहाँ हृदय से, साफ हृदय से, और अपना जो भी मनोकामना है वो यहाँ आइए और प्राप्त कीजिए, और जो है भगवती जी का बराबर दर्शन करते रहिए। श्रद्धालुओं के लिए जो है वो भीड़ में आइए तो शांतिपूर्वक लाइन में खड़े रहिए, जिससे कि जो है आपकी बारी आए। बहुत से श्रद्धालु आते हैं उसी से का बर्तन लेके आते हैं, टूट टूट जाता है उसे, लोगों को पैर में गड़ जाता है, तो वो सब लेके नहीं आइए। चमड़े का बेल्ट ये सब पहनते नहीं आइए, चमड़े का पर्स लेके नहीं आइए, क्योंकि भगवती जी के मंदिर में वो मरा हुआ चमड़ा ये सब जैसे है ना, ये सब अपवित्र माना जाता है, ये सब लेके नहीं आइए, और जो है बराबर आइए, दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे भगवती जी। मंदिर प्रांगण में ही दो और मंदिरें देखने को मिलती है, जिसमें एक ओर भगवान शिव का मंदिर है और दूसरी ओर बजरंगबली का मंदिर। मंदिर खुलने के समय सवेरे 5 बजे और बंद होने का 9 बजे, और आरती का समय, आरती का समय शाम में 7 बजे, सुबह में 3 बजे में जब खुलता है तकरीबन, वही 5 बजे। यहाँ जो है एक बार चोरी करने के लिए लोग आए थे, बहुत प्राचीन काल की बात है, तो आए तो भगवती जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किए सब अंधे हो गए, सब चोर सब यहाँ पर गेट पर आए ना तो सब अंधे हो गए, और वो रात भर अंधे रहे, उन लोगों को कुछ दिखलाई नहीं पड़ने लगा। इस तरह से मंदिर का जो है महिमा है। यहाँ कई अब तो ब्राह्मण जो है बड़े बड़े भक्त हुए हैं, और जो है उनको भगवती जी का आशीर्वाद बहुत प्राप्त हुआ है, और यहाँ जो भी आता है जिस मनोकामना से आता है वो धन की कामना से धन की प्राप्ति, पुत्र की कामना से पुत्र की प्राप्ति पूर्ण होती है, और यहाँ एक से एक भक्त और भक्तिनी आकर के जो है भगवती जी की सेवा करते हैं। अच्छा। एक से एक 64 जोगिनी नाचत नृत्य करत भैरव जो आया है वो सब यहाँ उपस्थित है, और बहुत जागृत देवी हर पीड़ा से भगवती जी अपने बेचैन है। भगवती जी के बारे में कहा गया है शीतला जी हैं, वंदे हम शीतलाम देवी मरास हस्ताम दिगंबराम मार्जिनी कल्पोपेताम कृपा अलंकृत मस्तकाम। भगवती दिगंबराम हैं, और ये जो है ना वो लहर पीड़ा से बेचैन हैं, इनके शरीर में फूले फूले जैसा चिन्ह है, देवी जी लोगों की देवी हैं, तो भगवती जी के यहाँ यहाँ सबसे दही चीनी से स्नान, मधु से स्नान, मिश्री प्रसाद, ठंडा भोजन जी बासी भोजन चढ़ता है। वाकई में यह मंदिर चमत्कारिक, ऐतिहासिक एवं श्रद्धा भाव का केंद्र है।